मेरा नाम डॉक्टर सौरभ अरोड़ा है और मैं सन 2005 से हल्दी पे और कर्क्यूमिन पे काम कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी भी इसी में कर रखी है, पर 20 साल हो गए हैं करीब, और अभी तक भी जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि कर्क्यूमिन है क्या। तो मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको ये समझाऊँ कि कर्क्यूमिन क्या है। शुरू करते हैं हल्दी से बात करते हुए। हमारे सबके घरों में हल्दी होती है, जो शुरुआत जिसकी होती है गीली हल्दी, कच्ची हल्दी के रूप में। इसको लेने के बाद में, ज़मीन से निकालने के बाद धो के सुखाया जाता है तो ये सूखी हल्दी बन जाती है, और सूखी हल्दी का ही पाउडर बना दिया जाए तो हल्दी पाउडर बन जाता है, जो हमारे सबके घरों में होता है, सब्जियों में डलता है और दवा की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। हमको सबको पता है कि कितने सालों से, सदियों से खांसी जुकाम के लिए, दर्द के लिए, कोई घाव हो जाए तो उसको जल्दी ठीक करने के लिए हमारे घरों में हल्दी दी जाती है दूध में डाल के, और सीधा घाव पे भी लगाई जाती है। अब आप देख रहे हैं इन सब के अंदर एक पीला रंग है जो धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि जो कच्ची हल्दी होती है उसमें कर्क्यूमिन होता है सिर्फ 1-2%। जब उसको सुखा देते हैं या पाउडर बना देते हैं तो वो बढ़ के 2-4% तक बढ़ जाता है। अब ये जो पीला रंग है ये कर्क्यूमिन जो 2-4% है उसकी वजह से होता है, और टर्मरिक हल्दी के पाउडर में से एक्सट्रैक्ट करके जब हम प्योर 95% कर्क्यूमिन बनाते हैं तो इस पाउडर को कर्क्यूमिन कहा जाता है। असल में इसमें 3 कर्क्यूमिनोइड होते हैं, पर आसानी के लिए ज़्यादातर लोग इस एक्सट्रैक्टेड जो हल्दी का असरदार जो तत्व है उसको जो निकाला जाता है उसी को कर्क्यूमिन कहते हैं, और ये माना जाता है और रिसर्च से ये प्रूव भी कर दिया गया है कि हल्दी के जितने फ़ायदे हैं, सिर्फ रंग ही नहीं बाकी के भी जो फ़ायदे हैं वो सब कर्क्यूमिन की वजह से होते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क्यूमिन क्या है। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी आपके पास में क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपको हम खुशी से उसके जवाब देंगे। थैंक यू सर।